बैक स्टूडेंट, ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे और अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.5 में। अब हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे, जिसके तीन पार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है, फाइंड करना, यानी कि इन सबकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन दिया हमें 64 की पावर 1/2। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.5 जो नई बुक में एक्सरसाइज है, नई बुक में 1.5 है और पुराने बुक में 1.6 था एक्सरसाइज। 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपको दिया है 64 की पावर 1/2। हमने फाइंड करना है 64 की पावर 1/2 का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग 64 का क्या निकालेंगे, फैक्टर, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है। देखो इसका डिनोमिनेटर, पावर का ये जो 1 है ये न्यूमिनेटर में है और ये जो है डिनोमिनेटर में है। तो हमने सबसे पहले ध्यान देना है डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है 2, यानी कि हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको स्क्वायर करने पे क्या आ सके 64। और अगर आपको वो नंबर नहीं पता तो आप एल प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 2 के टेबल में 32 आता है, 16 में 16, 2 के टेबल में जाएगा 8 पे, 8 भी 2 के टेबल में जाएगा 4 पे, 4 भी 2 के टेबल में जाएगा 2 पे, 2 भी 2 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो स्टूडेंट अभी आप 9th क्लास में हो तो एक्चुअल में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आना ही चाहिए, ये बेसिक्स है जो कि बहुत पहले करा दिया जाता है छोटी क्लासेस में। अब यहाँ पे देखो मैं पेयर बनाता हूँ 2 2 2, तो 2 2 का आपका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो 2 × 2 × 2 हमें क्या मिलेगा 8, 2 2 4 4 2 8, यानी कि अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 8 8 जा कितना होता है स्टूडेंट 64। तो 64 की जगह मैं रिप्लेस करके लिखूंगा 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर बचेगी 1, 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 8, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। इसका सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। सेम अब हमने ऐसा ही नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 32 मिल सके। अगर आपको नंबर नहीं पता तो आप वापस से प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा ले सकते हो। तो 2 के टेबल में 32 आता है 16 पे, 16 आता है 2 के टेबल पे 8 पे, 8 2 के टेबल पे 4 पे, 4 2 के टेबल पे आता है 2 पे, 2 2 के टेबल पे आता है 1 पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा 32। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 जो कि इक्वल होगा किसके 32 के। बस यहाँ पे 32 की जगह आपको लिख देना है 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, आपको मिल गया क्या 2। 2 इज योर आंसर। होप वीडियो समझ में आ रही होगी। कोई अगर क्वारी है तो आप प्लीज़ कमेंट पे मेरे को कमेंट कर सकते हो आप हमें ई पाठशाला पे, ताकि हम उस क्वारी को आपको रिजॉल्व कर सके। या अगर आपको दिक्कत है इन चीज़ों में भी कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए भी मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 125 की पावर 1/3। आइए स्टूडेंट देखते हैं हम इसको किस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 1.5। अब 125 का कौन सा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 125 ला सकते हैं। उसके लिए अगेन हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 के टेबल में 125 आता है 25 पे, 25 5 के टेबल में आता है 5 में, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 मेरे को मिलेगा, यानी कि 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। यहाँ पर हमें वही करना है, 125 की जगह लिखना है 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल गया 5। ये है आप लोगों का आंसर।
सो होप आपको वीडियो पसंद आई हो. सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है. कमेंट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैंने आपको बोला है कमेंट करने के लिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके. सो स्टूडेंट्स, सी यू सून.